इटली में G7 समिट का आयोजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर रहे। मेलोनी, मैक्रो, सुनक और जेलेंस्की सहित कई वर्ल्ड लीडर्स से पीएम मोदी की मुलाकात। विशाखापट्टनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्वी नौसेना कमान में रक्षा तैयारियों की समीक्षा की, कहा इस कार्यकाल में नौसेना और समुद्री सुरक्षा को और अधिक मजबूत करेंगे। केरल के पलक्कड़ में होगी आरएसएस की समन्वय बैठक, 31 अगस्त से 2 सितंबर तक होगी बैठक। भाजपा अध्यक्ष, संगठन महामंत्री भी करेंगे शिरकत। 3 दिवसीय बैठक में कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। SBSP के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का भाजपा पर बड़ा आरोप, राजभर ने बीजेपी पर फोड़ा अपनी हार का ठीकरा, कहा जनता ने पीएम मोदी और सीएम योगी को नकार दिया। कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, येदियुरप्पा की गिरफ्तारी अगली सुनवाई तक रोकी गई। हाईकोर्ट ने कहा 17 जून को सीआईडी के सामने पेश हो, नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप है। कुवैत अग्निकांड में 45 भारतीयों की मौत, शव लेकर C-130J एयरक्राफ्ट पहुंचा कोची, एयरपोर्ट पर दी गई श्रद्धांजलि। 23 केरल, 7 तमिलनाडु, 3 मृतक यूपी के हैं। कुवैत अग्निकांड पर केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी की प्रतिक्रिया, कहा अग्निकांड प्रवासी समुदाय पर एक आघात, कुवैत में बहुत दर्दनाक हादसा हुआ, भारत सरकार उचित कार्रवाई कर रही। 22 जुलाई से शुरू हो सकता है संसद का मानसून सत्र, 22 जुलाई 9 अगस्त तक चलेगा मानसून सेशन। मानसून सत्र में केंद्र सरकार पेश कर सकती है कई अहम बिल। दिल्ली में कार्यभार संभालने के बाद भारतीय थल सेना अध्यक्ष ने की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात, देश की सुरक्षा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बातचीत। राम मंदिर पर आतंकी हमले का अलर्ट, जैश ए मोहम्मद ने ऑडियो जारी कर राम मंदिर पर हमले की धमकी दी। आतंकी हमले की धमकी के बाद राम मंदिर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। अब आतंकी समर्थकों पर भी कश्मीर की तर्ज पर जम्मू में होगी कार्रवाई, आतंकी समर्थकों की संपत्ति जब्त होगी, सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी बैठक, इसमें फैसला। अमरनाथ यात्रा को लेकर भी समीक्षा की गई, अर्धसैनिक बलों और CISF की तैनाती भी की गई। कथित नीट पेपर लीक की CBI जांच की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने NTA को नोटिस जारी कर मांगा जवाब, सुप्रीम कोर्ट पहले ये बात साफ कर चुका है कि नीट एग्जाम को पूरी तरह से रद्द नहीं किया जाएगा। 29 जून को दिल्ली में होगी JDU राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, बिहार के सीएम नीतीश कुमार बैठक में होंगे शामिल। JDU के बड़े नेता राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में होंगे शामिल, लोकसभा चुनाव में JDU के प्रदर्शन पर भी चर्चा होगी। विपक्ष के सवाल पर केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी की प्रतिक्रिया, कहा जनता को भरपूर लाभ मिलेगा, विपक्ष नकारात्मक बात कर रहा, सरकार अच्छे से काम करेगी और उद्योग जगत में रोजगार की बहुत संभावना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दी अभी जमानत पर राव जवैन्यू कोर्ट में जमानत पर टली सुनवाई, अब 19 जून को होगी सुनवाई। केजरीवाल ने राव जवैन्यू कोर्ट में दी नई अर्जी, मेडिकल चेकअप में सुनीता केजरीवाल के शामिल होने की मांग की। राज्यसभा सांसद स्वाति बालीवाल के साथ बदसलूकी का मामले में विभव कुमार की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट का दिल्ली पुलिस को नोटिस, इससे पहले 30,000 कोर्ट ने खारिज की थी जमानत। दिल्ली के चांदनी चौक में लगी भीषण आग, दमकल की 8 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, चांदनी चौक में कल देर शाम दुकानों में लगी थी आग। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार हिंसा को लेकर राज्य सरकार की सख्त कार्रवाई, सरकार ने तत्कालीन कलेक्टर KL चौहान और SP सदानंद कुमार को निलंबित किया, लापरवाही के आरोप में सरकार की कार्रवाई। राजस्थान दौरे पर आए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जैसलमेर में BSF के सैनिक सम्मेलन में की शिरकत, BSF परिसर में उपराष्ट्रपति धनखड़ ने पौधारोपण भी किया। आंध्र प्रदेश में रफ्तार का कहर दिखाई दिया, सीतानापल्ली गांव में मिनी ट्रक की कंटेनर से भिड़ंत, हादसे में 6 लोगों की जान गई, कई घायल हुए, ट्रैक्टर को ओवरटेक करते समय हादसा हुआ। MP के दतिया में भीषण सड़क हादसा, श्रद्धालु से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, हादसे में 5 श्रद्धालु की मौत, 20 घायल। नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जब्त की 1 करोड़ रुपए की लगभग 2500 प्रतिबंधित ई-सिगरेट, 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस मामले में गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश के साथ बिक्री करने वाले सरगना की तलाश कर रही। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के जंगल में जानलेवा आग, आग बुझाने गए 4 वनकर्मियों की मौत, हेलीकॉप्टर से आग बुझाने का प्रयास भी जारी। POK में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ POK में बगावत शुरू, जेल मार्च के लिए हजारों की संख्या में POK में भीड़ उमड़ी। सऊदी अरब का अमेरिका को बड़ा झटका, 50 साल पुरानी पेट्रो डॉलर डील को आगे बढ़ाने से मना किया, पेट्रो डीलर डील 9 जून को होगी एक्सपायर हो चुकी है, दोनों देशों के बीच पिछले 50 साल से था पेट्रो डॉलर समझौता।
इंडिया स्टोर भाट के लिए रिको से डॉस व लघु उद्योग भारती के बीच एमओयू। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में हुआ एमओयू। पत्थर उद्योग को प्रोत्साहन के लिए फरवरी 2026 में होगा इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन। सीएस सुधांशु पंत ने ली सीनियर ऑफिसर्स के साथ मीटिंग। संपर्क पोर्टल पर दर्ज मामलों की समीक्षा की। की परफॉर्मेंस इंडेक्स और लंबित पत्रावलियों की स्थिति पर भी फीडबैक लिया गया। सचिवालय को मिला नया कर्मचारी संघ अध्यक्ष। बुद्धि प्रकाश शर्मा बने सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष। शर्मा को 88 वोटों से जीत मिली। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आरपीएससी की नई कवायद। डमी कैंडिडेट और फर्जी आवेदकों पर कसेगा शिकंजा। भर्तियों के ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में होंगे कई अहम बड़े बदलाव। झालावाड़ में एसीबी के शिकंजे में घूसखोर। 30,000 की रिश्वत लेते डिस्कॉम का तकनीकी सहायक ट्रैप हुआ। 3 फेज कनेक्शन जारी करने की एवज में एएनजीएन के लिए घूस भाग रहा था। जोधपुर में रेंज स्तरीय साइक्लॉन टीम ने एटीएम लूट गैंग पर प्रहार किया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 दर्जन से अधिक एटीएम तोड़ने की बात भी सामने आई। हनुमानगढ़ की सहकारी स्पिनिंग मिल को शुरू करने की मांग को लेकर माकपा और सीटू कार्यकर्ता ने जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। कलेक्टर काराराम को ज्ञापन भी दिया। जोधपुर शेरगढ़ पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें विधायक बाबू सिंह राठौड़ भी मौजूद रहे। इस दौरान पानी बिजली की समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों ने अपने मुद्दे उठाए, जिस पर विधायक ने अधिकारियों को 1 सप्ताह में समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। प्रतापगढ़ की शिवना नदी में 2 दिन पहले लहूलुहान हालत में मिले युवक के शव की शिनाख्त हो पाई है। मृतक मध्य प्रदेश के धार का रहने वाला है। शौली हनुमान जी के दर्शनों के लिए अपने घर से निकला था। परिजनों ने अस्पताल में मोर्ची में पहुंचकर शव की शिनाख्त की। प्रथम दृष्टया हत्या के इस मामले में पुलिस जल्द ही खुलासा करेगी। प्रतापगढ़ में सभागायक गौरव बजाज ने सीएससी का निरीक्षण किया। सभागायुक्त ने अस्पताल प्रभारी डॉक्टर के साथ व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत की। मरीजों के उपचार में लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। डूंगरपुर में अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ के बैनर तले बिजली निगम के कार्मिकों ने प्रदर्शन किया है। ओपीएस लागू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। ऊर्जा विभाग के सचिव के नाम सहायक अभियंता को एक ज्ञापन भी दिया। डूंगरपुर के दूड़ा गांव में कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। डूंगरपुर शहर के वसुंधरा विहार में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत बन रहे फ्लैट्स का निर्माण कार्य तेजी लाने के लिए नगर परिषद सभापति ने ठेकेदार को निर्देश दिए हैं। नगर परिषद की दीपावली तक आवेदकों को आशियाना उपलब्ध कराने की योजना है। अब रोजाना 100 से ज्यादा मजदूर निर्माण कार्य में जुटे रहेंगे। प्रतापगढ़ जिले में रक्तदान को लेकर लोगों का रुझान बढ़ने लगा है। बीते 5 सालों से करीब 2 दर्जन स्वयंसेवी संस्थाएं जरूरतमंदों को रक्त उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। इस पुनीत कार्य में सोशल मीडिया के जरिए भी काफी जागरूकता आई है, जिसे आवश्यकता होने पर मरीजों को रक्त उपलब्ध करवाया जा सके। सैपो में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। प्रतिदिन योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अधिकारियों के अलावा आमजन भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। करौली में 9 मई को मूकबधिर नाबालिग की जलाकर हत्या का मामला। युवा प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर पर प्रदर्शन किया, विरोध जताया। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। जौनपुर की पुरानी सब्जी मंडी के पास चोरों ने परचून की दुकान को बनाया निशाना। चोर दुकान से करीब 25,000 रुपए के सामान लेकर फरार हो गए। पीड़ित दुकानदार ने थाने में दर्ज करवाया मामला। जौनपुर जिले में अलग अलग जगह दतिया वाले स्वामी की पुण्यतिथि मनाई गई। स्वामी जी की पुण्यतिथि पर गंगाबाई की बगीची भार्गव वाटिका में भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हनुमान प्रसाद महाराज ने माँ पीताम्बरा माई और स्वामी जी महाराज की जीवनी पर प्रकाश डाला। प्रतापगढ़ में कलेक्टर ने रात्रि चौपाल लगाई। ग्रामीणों ने पेयजल, स्ट्रीट लाइट्स, पेंशन वेरिफिकेशन सहित अन्य समस्याओं से अवगत करवाया। कलेक्टर ने अधिकारियों को समस्या का निस्तारण करने के निर्देश दिए। प्रतापगढ़ के रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस स्थापना दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय समारोह के अंतिम दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें पारंपरिक गैर नृत्य, एकल नृत्य और सामूहिक नृत्य की प्रस्तुतियां दी गई। बांसवाड़ा में विश्वकदाता दिवस पर जिला प्रशासन ने पहल की। सरकारी विभाग के समस्त कर्मचारियों ने टीएडी भवन में किया रक्तदान। संभागीय आयुक्त और कलेक्टर ने सभी कर्मचारियों को रक्तदान करने की अपील की। मलाना डूंगर में अवैध बजरी खनन और परिवहन धड़ल्ले से हो रहे हैं, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अवैध बजरी के वाहनों पर अंकुश लगाने की मांग की। कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। सैपो में आवारा जानवर से टकराकर बाइक सवार दंपत्ति और मासूम बेटा घायल हो गया। घायलों को सीएससी में भर्ती करवाया गया। प्राथमिक इलाज के बाद युवक को जिला अस्पताल में रेफर किया गया। बाइक सवार कैला देवी से दर्शन कर वापस लौट रहे थे। सैपो के सीएससी में लगे 3 डॉक्टरों को एक साथ सीएससी से हटा देने पर व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है।
चिकित्सा विभाग के अनदेखी के चलते अब हॉस्पिटल बिना डॉक्टर के संचालित हो रहे हैं, जिसको लेकर मरीजों ने जमकर हंगामा किया, प्रदर्शन करते हुए आक्रोश भी व्यक्त किया। कलेक्टर डॉक्टर भवलाल राजसमंद के दिलवाड़ा दौरे पर रहे, ग्रामीणों से जल सप्लाई को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की, गलियों में जाकर निरीक्षण किया, घरों से निकलने वाले प्रतिबंधित प्लास्टिक आदि ठोस विशिष्ट अवशिष्ट के स्टोर सेंटर का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने संकल्प पत्र में किया वादा निभाया, थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती में महिला अभ्यर्थियों को दी बड़ी सौगात, 30% से बढ़ाकर 50% किया महिला आरक्षण। सांगानेर में ग्रेटर नगर निगम की ओर से आयोजित बस्ती की पाठशाला समर कैंप में बच्चों को उत्साहित देखा गया, कमिश्नर गोवर्धन शर्मा ने बताया कि कई विषयों में 400 से ज्यादा बच्चे भाग ले रहे हैं, रोजाना प्रतियोगिता में अव्वल आने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर उनका सम्मान किया जाता है। मानसून में रजत पथ पर 11 जगहों पर पशुओं को पानी पीने के लिए सीमेंट के बने फर्मे और पक्षियों के लिए पात्र रखे गए हैं, प्रशांत सेठी मुन्ना लाल गुप्ता ने बताया कि पशु पक्षियों के लिए गर्मी में ऐसा काम करना चाहिए। अलवर में एसडीएम ने उपखंड स्तरीय रात्रि चौपाल लगाई, लोगों ने पेयजल विद्युत सहित अन्य मुद्दों से अवगत भी करवाया, एसडीएम ने कुछ समस्याओं को मौके पर ही निस्तारण उनका कर दिया, वहीं अन्य समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। दौसा के सिकराय में साधारण सभा की बैठक से पूर्व हंगामा हो गया, सरपंच और पंचायत समिति सदस्यों ने किया जोरदार हंगामा, बैठक में कई विभागों के अधिकारी नहीं पहुंचे जिस वजह से भी हंगामा। दौसा में साइबर थाना पुलिस ने कार्रवाई की, ऑनलाइन ठगी गिरोह चलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया, 500% मुनाफे का लालच देकर 9.5 लाख की ठगी की थी, आरोपी के संबंधित खाते से 1 महीने में 7 करोड़ का ट्रांजेक्शन मिला, आरोपी अलग अलग खातों में डलवाता था राशि। अलवर के सुरेर गांव में स्थित राजीव सेवा केंद्र पर एसडीएम ने रात्रि चौपाल लगाई, जिसमें बिजली और पानी के मुद्दे से अवगत करवाया, अधिकारियों को समस्या का समाधान करने के निर्देश। सिकराय की पंचायत समिति प्रधान कक्ष में सरपंच संघ की बैठक का आयोजन हुआ, बैठक में घूमना ग्राम पंचायत सरपंच विपिन मीना को सिकराय पंचायत समिति संघ का अध्यक्ष बनाया गया, नवमनोनित सरपंच संघ अध्यक्ष विपिन मीना का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। सिकराय में एसडीएम यशवंत मीना ने उप जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, निरीक्षण के दौरान अस्पताल में सफाई व्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर की, अस्पताल प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सागर में स्क्री रीनिंग और एक्सरे निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ, शिविर में पंजीकृत 120 कर्मचारियों का निशुल्क एक्सरे, बीपी, शुगर सहित कई जांचें की गई, विजन वर्ल्ड इंडिया की ओर C19 कार्यक्रम के तहत इस शिविर को लगाया गया। जयपुर में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों की अच्छी पहल, शिक्षा विभाग में कार्यरत महिला कार्मिक के पुत्र के इलाज के लिए सहायता देंगे, जून के वेतन से हर कार्मिक करवाएगा 60 रुपए की कटौती, इस कटौती से महिला कार्मिक के पुत्र की दुर्लभ बीमारी के इलाज के लिए खरीदा जाएगा 17 करोड़ का जोलजेंजमा इंजेक्शन। झुंझुनू में संभागीय आयुक्त ने रात्रि चौपाल लगाई है, जिसमें ग्रामीणों की समस्याओं को जाना गया, संभागीय आयुक्त ने मौके पर पहुंचकर समस्याओं का निस्तारण किया, अधिकारियों को शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। लक्ष्मणगढ़ के हापोस में गांव में पीने के पानी की किल्लत हुई, ग्रामीणों को मजबूर होकर गांव के बाहर से पीने का पानी लाना पड़ रहा है, ग्रामीणों ने बताया कि पानी की ट्यूबवेल कई महीनों से खराब हो रही है, जिसको लेकर कई बार प्रशासन को अवगत करवाया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। सिकर प्रसूता की शव रखकर हॉस्पिटल के सामने धरना प्रदर्शन किया गया, जिला चिकित्सकों संघ ने किया कार्य बहिष्कार, निजी हॉस्पिटल में सेवा का बहिष्कार किया, डॉक्टर्स ने कहा कि मानसिक दबाव में नहीं कर सकते काम, डॉक्टर कभी नहीं चाहता कि किसी मरीज की मौत। झुंझुनू में विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया, बीजेके अस्पताल में लगाया गया स्वच्छता शिविर, रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, अस्पताल के पीएमओ ने कहा जीवन का सबसे बड़ा पुण्य रक्तदान। संभागीय आयुक्त वंदना सिंह भी झुंझुनू जिले के दौरे पर रही, संभागीय आयुक्त ने झुंझुनू कलेक्ट्रेट परिसर पर नगर परिषद परिसर का निरीक्षण किया है, कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक ली और कहा कि हर कर्मचारी को अपने खर्चे पर पर्यावरण सुधार के लिए एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। झुंझुनू के पिलौट गांव में दो कारों में टक्कर हो गई, हादसे में पीएनबी के बैंक मैनेजर सहित 3 कर्मचारी घायल हो गए, घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, प्राथमिक इलाज के बाद एक युवक को झुंझुनू के लिए रेफर कर दिया गया। झुंझुनू नगर परिषद के पार्षदों ने धरना किया है, आयुक्त के चैंबर के सामने धरने पर बैठे पार्षदों ने आयुक्त पर शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। जोधपुर में चिकित्सा विभाग की ओर से ऑपरेशन ब्लैक थंडर शुरू किया गया, मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए उद्देश्य से ये ऑपरेशन चलाया गया है,
अभियान के तहत अनाधिकृत रूप से संचालित निजी अस्पताल और क्लिनिक पर कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर माहेश्वरी समाज की ओर से ठाकुर जी के मंदिर में महेश नवमी मनाई जाएगी। भगवान महेश, पार्वती, राधा कृष्ण और हनुमान जी झांकी ठाकुर जी के मंदिर से रवाना होकर कस्बे में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ठाकुर मंदिर प्रांगण में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा।